रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नन्ही 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ अधेड़ द्वारा दुष्कर्म किया गया है। हालांकि पुलिस ने 47 साल के दुकानदार पर 5 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य करने पर फिलहाल पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को आज दोपहर तक हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर के बीचों बीच नेपाली बच्ची और उसका परिवार किराए के कमरे में रहता है और दिहाड़ी व मजदूरी का काम करता है। हमीरपुर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नन्ही 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ अधेड़ द्वारा दुष्कर्म किया गया है। हालांकि पुलिस ने 47 साल के दुकानदार पर 5 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य करने पर फिलहाल पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को आज दोपहर बाद हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर के बीचों बीच नेपाली बच्ची और उसका परिवार किराए के कमरे में रहता है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। पीड़ित परिवार नेपाल से संबंध रखता है और बच्ची की मां ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला 3 दिन पहले का है, लेकिन गुरुवार शाम को बच्ची ने पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजनों को पूरी बात बताई, जिस पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी की उम्र 47 साल है और जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव का ही रहने वाला है। बेरोजाना बच्चे को टॉफी और चॉकलेट देता था। उसने पीड़ित को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और दुष्कर्म किया। बच्ची के क्वार्टर से कुछ ही दूरी पर ही आरोपी दुकान करता है। वहीं पुलिस ने पीड़ित के परिजनों के बयान कलमबद्ध किए और पीड़ित का मेडिकल करवाया गया। नेपाली मूल की बच्ची के मामले में स्थानीय कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाया है। इस दौरान थाने में उन्होंने नेपाली परिवार से मुलाकात की और न्याय का आश्वासन दिया है। मासूम बच्ची ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने चॉकलेट खिलाने की बात कही और कमरे में ले गया और उसके बाद घिनौना काम किया। फिर बोला कि मैं अंदर में गंदे गंदे बात करूंगी, बोला था। फिर तुम अंदर चले गए? नहीं गए। अंदर नहीं गए? कौन है अंकल? कौन है अंकल? वो बुनाई बना कर अंदर में किसको गंदे 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 बात कर रहा था। अंकल को पहचानते हो? कौन है अंकल? को अंकल कौन अंकल है, पहचान जाओगे आप? रहते हैं। ये आपके घर के पास रहते हैं अंकल? वो सामने आए तो पहचान सकते हो अंकल को? फिर किसको बताया आपने, क्या हुआ? बोला ना मैं घर जा रही थी, फिर बोला कि अंकल ने अंदर में गंदे गंदे बात करी थी। वहीं बच्ची की माता का कहना है कि अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती हैं और 2 दिन पहले बच्चे को घर पर रोते हुए देखा और रात को पेट में दर्द की बात कहने लगी, जिस पर शक हुआ और बच्ची ने सारी बात बताई है। उन्होंने मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। रोना लगा था, फिर 2 दिन मेरे को समाज भी नहीं दिया रहा, फिर 3 दिन के काल बताया, फिर इसके साथ में जाने की बच्ची ने बताया, फिर बच्ची ने बोला मेरे को दर्द हो रहा है, ऐसे बोला तेरे को क्या हो रहा है, मैंने बोला, फिर बोला इसकी 7 वाली छोटी लड़की है, उसने बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, बोला फिर लड़की ने भी बोला तू अंतर आ जा, बोला मैं नहीं आऊँगी, ऐसे पूछा था, फिर मेरे हाथ पकड़ के अंतर लगी है, मेरे सिर बाल खोल के नीचे राख लिया, मेरे ऐसे गंदे गंदे बात कर लिया, आपके भी पैंट खोल के मेरे के ऐसे राख लिया, ऐसे बोला बच्चे ने, मेरे को काल पता लगा, मेरे को फिर मैं पहली बार पता भी नहीं है, बस रात को बोला मेरे को पता चला। कितने साल की बच्ची है, कहाँ रहने वाली? ये 6.5 साल की बच्ची है मेरी। मैं तो जा रही हूँ पुलिस में, पुलिस केस करके फिर उसको दाखिल बनाना बच्चे को, मेरे घर वाला भी नहीं है, मैं झाड़ू पोछा और के बाद काम करके खाती हूँ, मेरे 3 बच्चे है, अभी मेरी छोटी लड़की है, तो मेरी लड़की के ऐसे करके और किसी ने गंदे गंदे बात करेगा तो फिर मैं कैसे पालना आना, नेपाल से आ गया मैं, और के
झाड़ू पोछे के काम करके खाते। किसी के ऊपर शक है आपको, कौन होगा ये इसके साथ की हो गलत काम? इसके दोस्त को बोलता है, दोस्त को कॉफी टॉफी देता है, कॉफी पैसे देता है, तो इधर आ जा बोलता है। एक ही बच्चे के भी नहीं है, सारे बच्चे के बोलता है, और बच्चे 12-13 साल के बच्चे की भी अंतर डाका था, इसलिए अभी बताया मेरे को टॉफी देने के लालच देता है। हाँ, इसलिए अभी सारे बच्चे अंतर डाकता है ये बंदे। अभी मेरे के आ जात के मेरे के ऊपर नहीं है, फिर बच्चे के अंतर डाकी है, ऐसे ऐसे थोड़ी बात। इस बारे में DSP हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने बताया कि नेपाली बच्ची के साथ हुई घटना पर पुलिस ने पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जांच की जा रही है। कल हमारे पास पुलिस स्टेशन सदर में एक महिला आई अपनी बेटिया के साथ। उन्होंने बताया कि उनकी जो 5 साल की बेटी है उसके साथ इस बबली नाम व्यक्ति ने गलत काम किया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसकी स्टेटमेंट लिखी गई, FIR दर्ज की। 376 IPC और 4 पॉक्सो एक्ट में जो है सदर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई, उस पर मेडिकल कराया गया। आज जो है बच्ची का 164 का बयान करवाया गया। सर, आरोपी को क्या गिरफ्तार कर लिए गए? आरोपी को अभी तक हमने डिटेन कर दिया गया। सर, कितना दिन पुराना मामला है ये? 3-4 दिन पुराना बता रही है। हाँ सर, पहले लड़की को महिला थाने में भेजा गया था, लेकिन उसको सदर थाने में ट्रांसफर, क्या कारण है सर इसका? इसका ये कारण है कि वहाँ पे कुछ FIR रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी CCTV की वजह से। उसको बाद में फिर हमने पुलिस स्टेशन सदर में जो है FIR रजिस्टर।